तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका वेलकम है। आज जो है हम चैप्टर फोर हमारा जो है जिसका नाम है मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर की जो हमारी एक्टिविटी 4.1 है इसे हम हमारी आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो है हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में जो है अपडेट रह सके। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी 4.1। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 4.1 में आपको करना क्या है। सो देखिए, एक्टिविटी 4.1 में हमें यहाँ कहा है कि एक आयरन नेल, एक कोल पीस, एक एल्यूमिनियम वायर और एक पेंसिल लेड, इन चारों ही मटेरियल्स को हमें लेना है और टर्न बाय टर्न जो है हैमर की हेल्प से, जैसे फिगर में आपको शो किया हुआ है, हैमर की हेल्प से जो है हमें पहले जो है आयरन नेल को बीट करना है, देन हमें एल्यूमिनियम वायर को बीट करना है, एंड देन हमारे रिमेनिंग मटेरियल कोल पीस और पेंसिल लेड को जो है हैमर की हेल्प से बीट करके अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है टेबल में जो है नोट करना है कि हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी। सो देखिए क्या होगा, जब हम जो है हमारी आयरन नेल या फिर एल्यूमिनियम वायर को जो है हैमर की हेल्प से बीट करेंगे या हिट करेंगे, तो इनकी शेप जो है स्टार्टिंग में चेंज होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, इनकी शेप चेंज होने लगेगी। और अगर हम इनको लंबे समय तक जो है हिट करेंगे तो हम इनको जो है फ्लैट सरफेस जो है इनकी हम बना सकते हैं, इनको फ्लैट कर सकते हैं, जिससे कि जो है हम कह सकते हैं कि हमारी आयरन नेल और एल्यूमिनियम जो है ये मैलिएबल हैं। दूसरी तरफ कोल पीस या पेंसिल लिड, इनको अगर हम हैमर की हेल्प से जो है बीट करते हैं तो ये जो है पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारे कोल पीस और पेंसिल लेड जो है ये ब्रिटल हैं। टेबल हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी, आयरन नेल को अगर हम बीट करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, कोल पीस जो है ये हमारा पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, एल्यूमिनियम वायर जो है ये भी ब्रेक नहीं होगी, ये भी हमारी फ्लैट शीट की तरह जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और पेंसिल लेड जो है ये हमारा पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इस एक्टिविटी से देखिए हमने यहां ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी आयरन और एल्यूमिनियम वायर है या एल्यूमिनियम या आयरन मेटल है, ये तो है मैलिएबल, और क्योंकि ये दोनों मेटल हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सभी मेटल्स हैं ये मैलिएबल होती हैं। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी यहां से आप सब नोट कर लीजिए कि जो हमारी मेटल्स हैं ये सभी मैलिएबल होती हैं। दूसरी तरफ जो हमारा कोल और पेंसिल लिड है जो कि नॉन मेटल्स हैं, ये हमारी ब्रिटल हैं, अगर हम इनको जो है हैमर या किसी भी हार्ड मटेरियल से जो है बीट करते हैं तो ये पीसीज में जो है ब्रेक हो जाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी सभी नॉन मेटल्स जो है ये ब्रिटल होती हैं। तो यहां से नॉन मेटल्स की भी एक प्रॉपर्टी को आप नोट कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड मेटल्स आर मैलिएबल। अब आप कहेंगे कि देखिए मैलिएबल क्या होता है, तो देखिए जो मैलिएबिलिटी है, मैलिएबिलिटी जो है मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम मेटल्स को जो है किसी भी हार्ड मटेरियल से बीट करें तो हम उनको जो है थिन या पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी आप यहां नोट कर सकते हैं, वो है डक्टिलिटी, कि जब भी हम मेटल्स को जो है हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितने भी मेटल्स हैं हम उनकी पतली पतली वायर्स जो है वो बना सकते हैं, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो एक्टिविटी 4.1 का मेन मोटिव था आपको मेटल्स की मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताना और नॉन मेटल्स की ब्रिटल प्रॉपर्टी के बारे में बताना कि जो भाई नॉन मेटल्स हैं ये ब्रिटल होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको एक्टिविटी 4.1 अच्छे समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।